भारतीय जनता पार्टी में सिटिंग एमएलए के नाम पर कार्यकर्ताओं का विरोध लगातार जारी है और चेहरा बदलने की मांग को लेकर प्रदेश भाजपा कार्यालय पहुंच रहे टिकट मांगने वालों में राम की सेना भी पीछे नहीं है। आज विदिशा विधानसभा के कार्यकर्ता बबलू महाराज के समर्थन में टिकट मांगने भोपाल पहुंचे कार्यकर्ता और श्री राम के जयकारे लगाए। इस साल से पेश हिंदू परिषद ये काम करते आ रहे हैं, इसलिए विधानसभा क्षेत्र विधायक के चुनाव में ये खड़े हो रहे हैं। कहाँ है? वो बल्लू महाराज ऊपर हैं टिकट मांगने के लिए आए हुए हैं। साथ ही मंदसौर के सुवासर विधायक राधेश्याम पाटीदार के विरोधी भी पहुंचे। हम चाहते हैं कि वर्तमान विधायक को बदला जाए और नया चेहरा को लाया जाए। राधेश्याम जी पाटीदार हैं, उनका क्षेत्रीय में बहुत विरोध है, उनका व्यवहार ठीक नहीं है और छवि बहुत खराब है। वर्तमान विधायक बहुत तानाशाह है, सर आप मर्डर हो रहे हैं, बहुत सारे आरोप है मतलब, और बिल्कुल तानाशाह मतलब विधायक है। आम आदमी मतलब उनसे परेशान है, उनके कार्यशैली से राधेश्याम पाटीदार। इसके अलावा गरोट विधानसभा से दिनेश चौधरी ने अपने भाई राजेश चौधरी के लिए टिकट मांगा। साथ ही मदांता विधायक लोकेंद्र सिंह के भाई लक्ष्मण सिंह ने अपने भाई लोकेंद्र सिंह को बदलने की मांग की है। साथ ही मध्य प्रदेश पाटीदार समाज संगठन ने भी 10 सीटों पर टिकट की दावेदारी की है, जिसमें नीमच, हाट पिपलिया, सुसनेर, महू, जावरा, खरगोन, सुसावर, गरोट, रतलाम और हुजूर विधानसभा से टिकट की मांग की गई। मध्य प्रदेश में पाटीदार समाज बाहुल्यता के साथ में 19 जिलों में निवास करता है। 40 विधानसभा क्षेत्रों में पाटीदार समाज बाहुल्यता साथ निर्णायक पोजीशन में, 40 विधानसभा क्षेत्र में 20,000 से 40-45,000 तक के वोटर हैं। इसमें से भारतीय जनता पार्टी को हमेशा पाटीदार समाज ने समर्थन किया है। पाटीदार समाज चाहता है कि ऐसे 10 विधानसभा क्षेत्र हैं जहां से पाटीदार समाज के व्यक्ति को टिकट दिया जाता है, तो संपूर्ण मालवा और निमाड़ क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी को पाटीदार समाज समर्थन करेगा। कार्यकर्ताओं के विरोध पर भाजपा प्रवक्ता विजेंद्र सिंह सिसोदिया ने कहा कि कार्यकर्ताओं के विरोध पर चुनाव समिति विचार करेगी और जरूरत पड़ने पर चेहरा भी बदलेगी। ये इनका अपना कार्यालय है, कार्यकर्ताओं का घर है, उनका अधिकार है अपनी बात पूरी ताकत से पूरी दम से कहने को। माननीय मेनन जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी तोमर, बाकी सारे नेता इनकी बात को सुनते हैं, विचार करते हैं। हम सभी को आश्वस्त कर रहे हैं कि इनकी बात को जब चुनाव समिति की बैठक होगी उसमें उस विषय को रखेंगे, हर बात पे गंभीरता से विचार होगा। जो संख्या आती है ये पार्टी के अच्छे स्वास्थ्य की निशानी है। एक एक विधानसभा में 8-8, 10-10 बराबरी के कार्यकर्ता हैं। जो अच्छी पार्टी, बेहतर पार्टी होती है, जीवंत पार्टी होती है, उसके इलेक्शन होते हैं और इसलिए सब अपनी अपनी बात कहने आते हैं। चुनाव का वक्त करीब है, लेकिन पार्टी अभी भी कार्यकर्ताओं के बीच नाराजगी की गांठ नहीं खोल पाई है। अगर समय रहते पार्टी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया तो भाजपा का चुनावी समीकरण बिगड़ सकता है। EMS न्यूज के लिए कैमरा पर्सन परवेज खान के साथ हृदय धारवार की रिपोर्ट।